अनुसूचित जात के लिए सुरक्षित बांसगांव संसदीय सीट की सियासी तस्वीर तेजी से बदली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनएनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। कैसे बदली है तस्वीर, आइए समझते हैं। बसपा के प्रत्याशी मैदान में नहीं आने से पहले यहां भाजपा और गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई दिख रही थी, लेकिन बसपा के पूर्व आयकर आयुक्त डॉक्टर रामसमुझ को मैदान में उतारकर दोनों दलों के समीकरण को उलझा दिया है। रोचक तो यह है कि दलित और सवर्ण वोटरों को साधने के लिए सभी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। सियासी पंडितों का भी मानना है कि यह सीट इस बार उसी के हाथ में लगेगी जो इन मतदाताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब होगा। भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अब चौथी बार जीत हासिल कर कांग्रेस के कद्दावर नेता महावीर प्रसाद की बराबरी करना चाहते हैं, जबकि तीन बार बसपा से चुनाव लड़ चुके और तीनों बार दूसरे स्थान पर रहे पूर्व मंत्री सदल प्रसाद पाला बदल करके विपक्षी गठबंधन की ओर कांग्रेस से टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। बांसगांव संसदीय सीट पर जाति समीकरण कुछ ऐसा है कि दलित और सवर्ण वोटरों की संख्या मिलाकर के करीब 8 लाख हो जाती है। इस बार दलित वोटर दूसरे दलों की ओर खिसक रहे हैं। ऐसे में गठबंधन के प्रत्याशी का पूरा फोकस दलित मतदाताओं पर है। भाजपा प्रत्याशी सवर्ण वोटरों को साधने में पूरा जोर लगाए हुए हैं, जबकि बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रामसमुझ काडर वोटरों के अलावा अन्य बिरादरी को भी सहेजने में लगे। दलितों की राजनीति करने वाली बसपा ने इस सुरक्षित सीट पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 4 चुनाव में बसपा ही मुख्य लड़ाई में रही, लेकिन अभी तक उसका खाता नहीं खुल सका। वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।